एक लतीफा है कि किसी वकील साहब ने कानून की प्रैक्टिस में काफी पैसा कमाया। जब इनकी वफात का वक्त आया तो उन्होंने वसीयतनामा लिखवाया। अपनी वसीयत में उन्होंने कहा था कि मेरी सारी दौलत और जायदाद मेरे मरने के बाद पागल लोगों में तकसीम कर दी जाए। किसी ने इस कारे खैर की वजह पूछी तो वकील साहब ने जवाब दिया, मेरे पास जो कुछ है वो पागलों ही से तो मुझे मिला है। ये एक हकीकत है कि कानून का कारोबार पागल इंसानों के जरिए दुनिया में कायम है। आदमी इंतकाम के जोश में आकर किसी को कत्ल कर देता है, कोई शख्स किसी की जायदाद हड़प कर लेता है, कोई हसद और बोगज का शिकार होकर किसी को परेशान करना चाहता है, और अपने आप को बेबस पाकर इसको अदालत के शिकंजा में उलझाने के लिए इसके ऊपर झूठे मुकदमात कायम करता है। यही वो लोग हैं जिनके जरिए वकीलों की तिजारत कायम है। इस किस्म के लोग अगरचे अपने को आकिल और होशियार समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि वो बदतरीन किस्म के पागल हैं। आम पागल सिर्फ अपने लिए पागल होते हैं, मगर ये होशियार पागल अपने साथ सारी इंसानियत के लिए पागल हैं। इनकी आखिरी सजा अगरचे खुदा के यहां मिलेगी, मगर अक्सर ऐसा होता है कि मौजूदा दुनिया में भी बिलाखिर वो इबरतनाक अंजाम का शिकार होते हैं। जिस इंसान को उन्होंने अपने पागलपन का शिकार बनाना चाहा था वो तो खुदा की मदद से महफूज रहता है, मगर ये लोग खुद इसी घड़े में दाखिल कर दिए जाते हैं जहां वो दूसरों को दाखिल करना चाहते थे। हर आदमी जो कुछ करता है अपने फायदे के लिए करता है। अपना फायदा इंसान का सबसे बड़ा माबूद है। आदमी अगर मोतदिल हालत में हो तो वो कभी जानबूझकर ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो इसको खुद अपने नुकसान की तरफ ले जाने वाली हो, मगर गुस्सा और इंतकाम वो चीजें हैं जो आदमी को अंधा कर देती हैं। वो दूसरों की जिद में ऐसी कार्रवाइयां करने लगता है जिसका नुकसान बिल आखिर खुद इसी को उठाना पड़े। ऐसी हर कार्रवाई यकीनी तौर पर पागलपन है। मारूफ पागल अगर तिबी पागल होते हैं तो ऐसे लोग नफ्सियाती पागल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियोस मिल सकें।